नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। मेरे सारे व्यूवर्स को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बना के रखें। माता रानी 9 दिनों में सबके घर में खुशियां रखें, सबके जीवन में खुशियां रखें और सबको रोग दुख कलेश से दूर रखें और घर में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो। जैसा कि आप देख रहे हैं आज फोर्थ नवरात है और फोर्थ नवरात है कुष्मांडा माता का। ये नाम इतना प्यारा है कुष्मांडा, यानी जिनके ऊपर भी कुछ भी प्रॉब्लम है उनकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर लेती हैं। तो माता रानी को मैंने छोटे छोटे पांव से नंगे पैर बुलाया अपने घर और माता रानी साक्षात मेरे घर आ चुकी हैं। आपको मेरी वीडियो देख करके एक ना पॉजिटिविटी आती होगी, जैसे ना देख के लगता होगा कि हाँ बस कुछ अच्छा ही देख रहे हैं, अंदर से एक अच्छी फीलिंग आती होगी। सो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं मैं नहा धो करके हो गए, गेट वेल बी रेडी, और आज है संडे तो संडे को हमने आराम से नहाया धोया और पूजा पाठ किया क्योंकि बाकी कोई टेंशन नहीं थी आज मुझे। हम आ गए मंदिर में और मंदिर में हमने माता जी की आरती करना स्टार्ट की भव्य ज्योति के रूप में। मैंने सोचा क्यों ना आज आपको लाइव थोड़ा सा सेक्शन दे देते हैं। देख रहे हैं जैसे ज्वाला माँ यहाँ प्रचंड रूप में दर्शन दे रही हैं। माता रानी को आज मेरी पूजा सफल हो गई है और उन्होंने मेरी पूजा पसंद आई, इसीलिए आज वो भव्य रूप में थी। तो गाइस ये रहा मेरा प्यारा सा मंदिर जहाँ का मैंने आपको प्यारा सा व्यू दिया। और मुझे अपने मंदिर में पूजा करना, माता की सेवा करना बहुत ज़्यादा ही पसंद है। पता नहीं क्यों मेरे मतलब तन मन से एकदम रोम रोम सा एकदम रहता है, माता रानी के लिए अर्पण रहता है। तो आज मंडे भी था, भोले बाबा की भी पूजा करनी थी प्लस माता जी की पूजा करनी थी, तो हमने दोनों ही पूजा निपटाई, दोनों ही आरतियाँ पढ़ी और ध्यान आफ्टर अब हम आ गए हैं तुलसी की पूजा करने के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हो मैं मंदिर में पूजा करने के बाद तुलसी की पूजा ज़रूर करती हूँ, तुलसी की पूजा ज़रूरी होती है पूजा के बाद में। भाई चलो फटाफट से पूजा स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप मैं बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए और माता रानी मेरे साक्षात हैं। मुझे ना मतलब पेड़ पौधों से इतना ज़्यादा ही प्यार है, मैं क्या बताऊँ। उसमें से फिर तुलसी माँ हैं, मतलब भगवान विष्णु की प्रिय हैं और मैंने आज पीला भी पहना हुआ है, तो मतलब बिल्कुल दिल से सच्चे मन से पूजा प्रार्थना होगी। तो मैं वीडियो को थोड़ा स्किप कर करके दिखाऊंगी बिकॉज अगर मैं डायरेक्टली लाइव दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा स्किप करके दिखा रही हूँ। फिलहाल मैंने पूजा बहुत सुकून मन से की है, मतलब आरती पढ़ी, घंटी, पूजा पाठ मैंने सब कुछ किया। तो जैसा कि आप देख रहे हो मैंने वन बाई वन करके स्टेप स्टार्ट किया और मैंने अपने माता जी को सच्चे दिल से श्रद्धा मुक्ति भाव से पूजा की बिकॉज डेली में थोड़ा जल्दी रहता है, पर आज सुकून से एकदम मन भावना के साथ उनके साथ पूजा की। और माता रानी मेरे साथ हमेशा ही रहते हैं, आप देखोगे मैं कितना भी परेशान हो जाए, जितनी भी मुसीबत में हो, पर मेरे फेस से स्माइल कभी नहीं जाती क्योंकि मुझे हरियाली बहुत पसंद है और शायद मेरा नाम भी हरियाली होना चाहिए था लेकिन हरियाली ना हो करके नीलम है और वैसे भी मेरे मुंह पे स्माइल बनी ही रहती है। तो ये माता रानी की कृपा है जो मेरे ऊपर ऐसे उनका आशीर्वाद बना हुआ है, मेरे घर परिवार पे बना हुआ है, मुझ पे बना हुआ है, और माता ऐसे हमेशा बनाए रखना और मेरे सारे व्यूवर्स पे बना के रखना। तो चलो हमारी पूजा हो गई फटाफट से कम्प्लीट, अब हम चलेंगे नीचे। तो गाइस अब भगवान की पूजा हो गई है, अब हम करेंगे पेट पूजा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने लिए चाय के साथ फलाहार बिकॉज प्यारी सी नमकीन बनाई थी और वो नमकीन और चाय हमने ली, फिर देन आफ्टर हमने फ्रूट्स लिए और फटाफट से प्यारे प्यारे फ्रूट्स खाए और हमारी सुबह की मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो चुका है, अब हम डिनर करेंगे रात में। तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ ये लाइव दर्शन करा देते हैं माता जी का। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज़ मेरे वीडियो पर आप ऐसे स्टे ट्यून रहिएगा, मैं आपके लिए प्यारे प्यारे वीडियो लाती रहूँगी। जय माता दी।